लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LSC पर तनाव जारी है। इस बीच भारतीय जवानों ने लद्दाख के चुमाल डेमचोक इलाके में एक चीनी सैनिक को पकड़ा है। पूछताछ के बाद चीनी सैनिक को चीन वापस भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिया गया चीनी सैनिक कॉर्पोरल रैंक पर है और शांजी इलाके का रहने वाला है। उसके पास से सिविल और मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर भी अब लोगों के निशाने पर आ गई है। दरअसल ट्विटर इंडिया ने एक जगह जम्मू कश्मीर को चीन के हिस्से के रूप में दिखा दिया है। इसके बाद इंटरनेट पर ट्विटर की इस हरकत को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों ने तो ट्विटर इंडिया के अफसरों को गिरफ्तार करने तक की मांग कर दी है। अब ट्विटर इंडिया ने अपनी सफाई में कहा है कि समस्या हल कर दी गई है। इसी मामले में अब ट्विटर इंडिया के प्रवक्ता ने अपनी सफाई दी है। मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 6 सालों में देश में चौतरफा सुधार हुए हैं और पिछले कुछ महीनों से इसकी गति और दायरे दोनों को बढ़ाया गया है ताकि 21वीं सदी भारत की हो। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ शिक्षा और दीक्षा युवा जीवन के दो अहम पड़ाव माने जाते हैं। ये हजारों वर्षों से हमारे यहाँ एक परंपरा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। गिरती अर्थव्यवस्था और कोरोना संकट को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने 10 देशों का आंकड़ा ट्विटर पर शेयर किया है जिसमें अर्थव्यवस्था और कोरोना को लेकर फैक्ट दिए गए हैं। इसमें भारत की स्थिति चिंताजनक है। देश में कोरोना के 75 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में ही कोरोना के 55,722 नए मामले सामने आए। इस दौरान 589 और लोगों की मौत हुई है। RJD नेता तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियां देने के वादे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तंज कसा। गया के शेरघाटी और औरंगाबाद के रफीगंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोगों को कोई ज्ञान नहीं है और दावा कर रहे हैं कि इतनी नौकरियां देंगे, पैसा कहां से आएगा। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी देने के नाम पर अपना अलग ही धंधा चालू कर ले। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बिहार में सियासी पारा गर्माता जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी चुनावी दंगल में सोशल मीडिया के जरिए उतरे हैं। लालू ने रविवार को तंज कसते हुए सवाल किया कि बिहार में अब हिंद महासागर भेजा जाए क्या। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं और उनको आराम करना चाहिए। जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रमुख विपक्षी दल RJD के CM कैंडिडेट तेजस्वी यादव के बीच एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी अपने चरम पर पहुंचती दिख रही है। इसी क्रम में अब तेजस्वी यादव ने खुद को बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार पेश करते हुए नीतीश कुमार को चुनाव से पहले बहस की खुली चुनौती दी है और कहा कि जब जहां चाहे मुझसे किसी भी मुद्दे पर नीतीश कुमार डिबेट कर ले। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी पर दिए विवादित बयान पर बवाल मच गया। अब कमलनाथ ने मामले पर सफाई दी है और कहा कि आइटम अपमानित शब्द नहीं है, विधायक का नाम याद नहीं आया इसलिए आइटम कह दिया। आपको बता दें कमलनाथ ने रविवार को डबरा की चुनावी सभा में इमरती देवी को आइटम कहा था। कोरोना वायरस के संकट के बीच देश के कई राज्यों ने 9वीं से 12वीं के स्कूल खोलने का फैसला सोमवार से लागू कर दिया। इसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कुछ ही राज्य आंशिक रूप से स्कूल खोल रहे हैं। वहीं दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड सहित कई राज्यों ने अभी स्कूल खोलने का कोई फैसला नहीं किया है। कुछ राज्य 2 नवम्बर से भी स्कूल खोल सकते हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सोमवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 449 अंक चढ़कर 40,432 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 82 अंक चढ़कर 11,873 पर बंद हुआ। इससे पहले शुक्रवार को बाजार तेजी के साथ बंद हुआ था। सेंसेक्स 255 अंक की बढ़त के साथ 39,982.98 पर और निफ्टी 82 अंक की बढ़त के साथ 11,762 पर बंद हुआ था।